हाँ तो सजनों बताया है। बोला भाई एक समय का जिक्र सुनाऊं, माँ की कितनी आत्म, माँ की ममता कितनी बड़ी होती है। माँ का हाथ शीश पर दर्जा के कर ले परमात्मा। सजनों माँ का श्राप जिस नर को लग जाए तो उस श्राप को भगवान भी नहीं हटा सकता, और माँ का आशीर्वाद जिस नर के शीश को ऊपर हो जाए तो वो एक ईश्वर से भी बड़ा है। तो सजनों बोला भाई मात पिता एक ऐसी चीज है मिले ना दूजी बार, और माँ की सेवा कर ले बंदे हो जाएगा बेड़ा पार, नहीं डूबेगा मझदार रे, ध्यान लगा माँ बाप का, माँ का हाथ शीश पर दर्जा के कर ले परमात्मा। तो सजनों आगे क्या होता है, हाल सुनाऊं आगे का, एक शरम औरत रहती, एक टाइम पर रोटी रा मिलती, घनी मुसीबत सहती रे, घनी मुसीबत सहती, सुबह शाम तो ते मने मसे ठाकुर द्वार जाती, हाथ जोड़ कर उतर मांगा करती रे, उतर मांगा करती, कुछ दिनों में प्रभु रे, कुछ दिनों में प्रभु राजी कर दी, कुछ दिनों में प्रभु राजी कर दी, हो गया साल सात का, माँ का हाथ सीत पर धर जा, ये कर ले रे परमात्मा, ये कर ले रे सजनों बताया। हाल सुनाऊं आगे का, एक शहर में औरत रहती, सजनों उसका पति कुछ ही दिनों में मर जाता है, लेकिन वो गर्भ से थी, उसने विचार लगा लिया कि भाई अगर जो अपने लड़की हो गई तो इस दुनिया में अपना कोई धनी धोरी नहीं है। सुबह शाम भगवान के मंदिर में जाकर के अरदास करती, बोला भगवान मुझे देना तो एक लड़का ही देना जो कि मेरी सेवा तो करेगा कभी। सजनों बताया कवि ने, बोले भाई हाल सुनाऊं आगे का, एक शहर में औरत रहती, और एक टाइम पर रोटी मिलती, घनी मुसीबत। बोला भाई सुबह शाम दो टेम नेम से ठाकुर द्वारे जाती, करके सेवा हाथ जोड़ कर पुत्र मांगा करती, कुछ ही दिनों में प्रभु राजी कर दी, एक लड़का हो गया। बोला कुछ ही दिनों में प्रभु राजी कर दी, हो गया साल सात का, सात साल का हो गया इसे करते करते, माँ का हाथ शीश पर दर्जा के कर ले परमात्मा। सजनों बच्चे को स्कूल में घाल करके, लेकिन अब खान पीन के लिए कुछ भी नहीं था, उधर बच्चे की पढ़ाई के पैसे मांगना चालू कर दिया कौन मास्टर जी, अब कहां से लावे औरत की जात। लेकिन फिर भी बताया कभी ने, बच्चे को स्कूल गाल कर भीख मांग कर लाती, आप खान की परवाह ना रखी, जमा कराने जाती रे, जमा कराने जाती, उसको तो ले खिला पिला कर ऐसे कराया करती, माँ की ममता जीवत रहती, नर कदे नहीं मरती रे, कदे नहीं मरती, बाट देख लो, बाट देख लो, करती रल
बाट देख लो करती रल राजी मोती आत्मा बाका हाथ सीत पर दर्जा के कर ले रे परमात्मा के कर ले रे परमात्मा के कर ले परमात्मा के कर ले परमात्मा माका हाथ सीत पर दर्जर कर ले परमात्मा। मेरे सदनों बताया बच्चे को स्कूल में घाल करके भीख मांग करके लाती, बोले भाई बच्चे को स्कूल घाल कर भीख मांग कर लाती और आप बता कभी ने बच्चे को स्कूल घाल कर भीख मांग कर लाती आप खान की परवाह ना फीस जमा करा। सदनों उसी एक भीख मांगनी में अपना काम चलाती और उनमें से उस बच्चे की पढ़ाई कराती, बोला भाई उसको तो ले खिला पिला कर ऐस कराया करती। माँ की ममता कितनी बड़ी होती है और माँ की ममता जीवित रहती नर कदे नहीं मरती। सदनों माँ की ममता सदा ही जीवित रहती है इंसान के लिए। बोला भाई बाट देख वो करती रहे। जब स्कूल से भाई स्कूल से वापस आता बाढ़ देखा करती कि भाई मेरा बेटा अभी आओ, बोले भाई बाट देख वो करती रह राजी होती आत्मा माँ का हाथ सीत पर दर्जा के कर ले परमा। सदनों ऐसे करते करते लड़का 16वीं पास कर ली, 30 साल का हो गया, उसी शहर में एक लड़की से आंख लग जाती। सदनों इंसान के एक दफे शैतान चढ़ जाता है वो सबको भूल जाता है। लड़की से आंख लग गई। एक रोज घर पर सूता था, आधी रात का मौसम था, तो आगे क्या होता है, अरे मुख देखने से पाप कटल भूल गया उस जननी को, लड़का मन मर पूरी डाली चल पड़ा रे घर लानी को, चल पड़ा घर लानी। माता ने इनकार किया लगनी रात में जाने को, आ बेटा रोटी खा ले रे नट गया रोटी खाने को, नट गया रोटी खाने को, जोर दिखाया जोर दिखाया सीने कर, जोर दिखाया सीने कर, बारह बज रही रात का माता हाथ सीत पर धर जा के कर ले रे परमात्मा, के कर ले रे परमात्मा। सुनाऊ माँ की कितनी आत्मा, माँ का हाथ सीत पर धर जा के कर ले रे परमात्मा। सदनों बताए, बोला भाई मुख देखने से पाप कटे, मुख देखने से पाप कटल भूल गया उस जननी को, शैतान चढ़ गया और लड़का मन में पूरी दहली चाल पड़ा गरला। आधी रात का मौसम था, विचार लगा लिया, बोला भाई इसी टाइम और इसी वक्त मेरे घर पे लेके आऊ, उठ करके रवाना हो गया। तब माँ विचार लगाया, बोला भाई इस घनी रात को कहां जा रहा है, बोला भाई माता ने इनकार किया ले घनी रात में जाने को, और लड़का आ बेटा रोटी खा ले रहे नट गया भोजन खाने,
माँ की ममता की बेटा आज तूने सुबह से खाना नहीं खाया, क्या चक्कर है? मैं तेरा चक्कर को समझ गई क्योंकि तू खाना खाने के लिए उठा। तब रवाना हो गया, माँ विचार लगाई, बोले भाई कहाँ जा रहा है? जब जोर दिखाया सीने का, 30 साल का हो गया, जोर दिखाया सीने का, रे 12 बज रही रात का, माँ का हाथ सीध पर दर्जा के कर ले परमा। तो मेरे सजनों, हाथ जोड़ कर माता बोली, हाथ जोड़ कर माता बोली, लाल मेरा रे मान। उस देवी की बात न मानी, चढ़ गया जबर शतान रे, चढ़ गया जबर शतान राजू लाल कर, जुलाल कर रे गुण गान रे। विश्वास नहीं ऐसा सांप का, माका हाथ सीत पर धर जा के कर ले रे परमात्मा, के कर ले रे परमात्मा, के कर ले परमात्मा, के कर ले हाथ सीत पर धर जा ले परमात्मा। मेरे सजनों बताए, बोले भाई हाथ जोड़कर माता बोली लाल मेरा लेमान, और उस देवी की बात न मानी, चढ़ गया जबर शैतान। सजनों शीश को ऊपर शैतान बैठ गया, कहने लगा, बोला भाई तेरी रोटियों को परे ले जाकर के धर ले, मुझे तेरी रोटी नहीं चाहिए। बोला भाई राजू लाल करे गुणगान रे, विश्वास नहीं ऐसा सांप का, माँ का हाथ सीस पर दर्जा के कर ले परमा। सदनों माँ की बात को नहीं मानी, माँ के धक्का देकर के वहां से रवाना हो लिया। तब लड़की को जाकर के कहने लगा, कौन लड़का? अरे चंद्रमा सा चेहरा तेरा है तू रूप दीवानी, मुझसे शादी कर मेरी मलका, तेरी हो रही जबर जवानी। मुझसे शादी कर मेरी मलका, हो रही जबर जवानी। चंद्रमा सा चेहरा तेरा है तू रूप दीवानी, मुझसे शादी कर मेरी मलका, हो रही जबर जवानी। मुझसे शादी आ चंद्रमा का तेरा तेरा है तू रूप दीवानी, मुझसे शादी कर मेरी मलका, हो रही जबर जवानी। मुझसे शादी मुझसे शादी कर मेरी मलका, सुंदर रूप अनूप तेरा है जो बल है मत वाला, सुंदर रूप खिल गया खुले करम का ताला, मेरे जीवन फूल खिल गया खुल गया तो भर का ताला। कौन रोकेगा मुझको सलका पड़ जा जान लगानी,
सदनो। लड़का कहने लगे, बोले भाई चंद्रमासा तेरी सकल एक चंद्रमासा मिलती है और तू मेरे दिल में समा गई। बोले भाई चंद्रमासा चेहरा तेरा है तू रूप दीवानी, मुझसे शादी कर मेरी मलका तेरी हो रही जबरत जवानी। सुंदर रूप अनूप, बोले भाई सुंदर रूप अनूप तेरा है जोबन है मतवाला, और मेरे जीवन में फूल खिल गया खुलिया कर्म करता ना कि आज मेरा भाग्य खुल गया। कौन रोकेगा मुझको साला, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बोले भाई कौन रोकेगा मुझको साला, चाहे मेरी प्रजा जान लगानी चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, लेकिन मैं तेरे से शादी करके ही रहूंगा। चाहे प्रजा जान लगानी और मुझसे शादी कर मेरी मलका तेरी हो रही जबरदस्त जबर। सदनों इतनी बात लड़का लड़की से कहता है तो लड़की कहने लगी, लड़की बोली सुन मेरे राजा क्या तू सच्चे दिल से चाहता। लड़की बोली सुन मेरा राजा क्या तू सच्चे दिल से चाहता, तेरे जैसे बहुत जगत में तू ही मेरे मन भाता। तेरे जैसे बहुत जगत में तू ही मेरे मन भाता, तेरे प्रेम का पता पड़ जाता आज करूंगी मन मानी। मुझसे शादी कर मेरी मलका हो रही जबर जवानी। मुझसे शादी मेरे सदनों, लड़की कहने लगी लड़का से, लड़की बोली सुन मेरे राजा क्या तू सच्चे दिल से चाहता और तेरे जैसे बहुत जगत में पर तू ही मेरे मन भाता। बोला भाई तेरे प्रेम का पता पड़ जाता कि आज तेरे प्रेम का मुझको मालूम पड़ जाएगा कि तू सच्चा है या झूठा है। बोला भाई तेरे प्रेम का पता पड़ जाता आज करूंगी मनमानी, मुझसे शादी कर मेरी मलका तेरी हो रही जबर जवानी। सदनों इतने बात लड़की लड़का से कहती है और फिर कहने लगी, मेरे लिए क्या क्या कर सकता आज से तू मेरा भरतार। मेरे लिए क्या क्या कर सकता आज से तू मेरा भरतार। मेरे लिए क्या क्या कर सकता आज से तू मेरा भरतार। एक दफे तो जान मांग ले तो भी नहीं करता इनकार। एक दफे तो जान मांग ले तो भी नहीं करता इनकार। एक दफे तो जान मांग ले नहीं तो करता मैं इनकार। है मेरा जीवन तेरे स्वीकार, है मेरा जीवन तेरे स्वीकार। कर मेरी मलका हो रही जबर जवानी। मुझसे शादी हो रही जबर जवानी है तेरी हो रही जबर जवानी। मुझसे शादी कर ले सदनों। लड़की फिर कहने लगी, बोले भाई मेरे लिए क्या क्या कर सकता आज से तू मेरा भरतार।
लड़का कहने लगा, बोले भाई एक दफा तो जान मांग ले तो भी नहीं, करता ही नहीं। बोले भाई है मेरा जीवन तेरे शिवकार, चंद्र की चंद्रानी, मुझसे शादी कर मेरी मलका तेरी हो रही जबर जबर। इतने लड़का कहते ही लड़की कहने लगी, अरे तेरी माँ का कार्ड जिगर से दिल धरते कदमों में लाई, तेरी माँ का कार्ड जिगर से दिल धरते कदमों में लाई, तेरी माँ का। सब तो तुझको सच्चा मानू जब तेरे से करती प्यार, जब तो तुझको सच्चा मानू जब तेरे से करती ब्याव। सुन ले मेरा यही न्याव, सुन ले मेरा यही न्याव, चंद्र की चंद्रानी मुझसे शादी कर मेरी मलका हो रही जबर जवानी है, मुझसे शादी। मेरे सदनों बता कवि ने, लड़की कहने लगी, बोले भाई तेरी माँ का कार्ड जिगर से दिल दर्दे कदमों में ले आए, और तब तक तुझको सच्चा मानू जब तेरे से करती ब्याह। सुन ले मेरा यही न्याव, चंद्र की चंद्रानी, और मुझसे शादी कर मेरी मलका तेरी हो रही जबर जबर। हाँ तो सजनों, लड़की कहने लगी, बोले भाई तेरी माँ का कार्ड जिगर से दिल दर्दे कदमों में ले आई, और तब तो तुझको सच्चा मानू जब तेरे से करती ब्याह। बोले भाई सुन ले मेरा यही न्याव, चंद्र की चंद्रानी, मुझसे शादी कर मेरी मलका तेरी हो रही जबर जमन। इतने सुनते ही लड़का वहां से रवाना हो गया। अरे माँ को मारण चाल पड़ा, माँ को मारण चाल पड़ा, मन में नीची विचारी देख पसीना तेरे ऊपर पूछ रही मैं तारी, देख पसीना तेरे ऊपर पूछ रही मैं तारी, माँ को मारण चाल पड़ा, माँ को मारण चाल पड़ा, मन में नीची विचारी देख पसीना तेरे ऊपर पूछ रही मैं तारी। पसीना तेरे ऊपर पूछ रही मैं तारी, हाँ तो सजनों बताया है। भाई माँ को मारण चाल पड़ा, मन में नीच विचारी और पूछ पसीना, बोले भाई देख पसीना चेहरे ऊपर पूछ रही मैं तारी, चेहरा को ऊपर पसीना देख करके माँ विचार लगाया, बोले भाई आज ये इतना क्यों घबरा रहा है। बोले भाई पूछ पसीना पूछने लगी, कैसे तू घबराया, सांची बात बता मेरा बेटा कहां से दौड़िया आया। बोले भाई के तेरी अब गैल दबाया, के तेरी अब गैल दबाया, जान घनी घबरा रही,
देख पसीना चेहरे ऊपर मां पूछ रही मैं दा। इतने बात मां अपने बेटे से कहती है, फिर कहने लगी बोला तू सुबह का खाना नहीं खाया, होगी जिसको तो हो जानी थी। तो सजनों आगे क्या होता है? अरे हो गई जिसको हो जाने दे, हो गई जिसको हो जाने दे, आ बेटा भोजन कर ले, आंख दिखाई दुष्टि न ले, जा भोजन वापस धर ले, आंख दिखाई दुष्टि न ले, जा भोजन वापस धर ले। मन में दिल ने गाढ़ा कर ले रे, मन में दिल ने गाढ़ा कर ले, दुष्टि ना दया विचारी, देख पसीना चेहरे ऊपर उत रही मैं तारी, देख पसीना चेहरे ऊपर उत रही। मेरे सदनों, माँ कहने लगी बोले भाई होगी जिसको हो जानी दे, आ बेटा भोजन कर ले, आंख दिखाई अपनी माँ को ले जा भोजन वापस कर ले, बोले भाई मुझे तेरा भोजन नहीं करना। अब बेटा भोजन करने के लिए थोड़ा आया था, वो तो उसका दिल काटने के लिए आया था। बोला भाई मन में दिल ने गाढ़ा कर, दुष्टि मन में विचार लगा लिया, बोला भाई तेरा भोजन पर इधर ले, अब तेरा दिल को गाढ़ा कर। मन में विचारी बोला भाई मन में दिल ने गाढ़ा कर ले, दुष्टि ना दया विचारी, देख पसीना चेहरे ऊपर पूछ रही मैं तारी। माँ उसका मुखड़े के ऊपर से अपने चीर से पसीना पूछना बंद नहीं की, क्योंकि माँ की ममता एक बहुत बड़ी होती है। तो बताया सदनों कवि ने, अरे भूल गया उस जननी को, भूल गया उस जननी को, नो मैंने कष्टी उठाई थी, मंदिर में जित तेरे खातिरी दर दर ठोकर खाई थी, मंदिर में जित तेरे खातिरी दर दर ठोकर खाई थी। रखिले मैं तो आप पड़ी, सूखे मैं तुझे सुलाई थी, गिले मैं तो आप पड़ी, सूखे मैं तुझे सुलाई थी, माँ की सेवा करने खातिरी ईश्वर ने देही बनाई थी, माँ की सेवा करने। लड़के ने अकल उपाई थी, उपाई थी, मुझे नींद घड़ेरी आ रही, देख पसीना चेहरे पर मां पूछ रही मैं तारी। मेरे सदनों, बोले भाई भूल गया उस जननी को, नौ महीने कष्ट उठाई थी, मंदिर में जित तेरे खातिर दर दर ठोकर खाई थी, बोले भाई गीले में तो आप पड़ी, सूखे में तुझे सुलाई थी, माँ की सेवा करने खातिर ईश्वर ने देही बनाई थी।
लड़के ने अकल उपाई थी। लड़का विचार लगा ले, बोला भाई ऐसे चक्कर में नहीं आई। लड़के ने अकल उपाई थी, मुझे नींद घनेरी आ रही। बोला माँ मुझे नींद आ रही है क्योंकि आज मेरा माथा बिल्कुल खराब है। लड़के ने अकल उपाई थी, मुझे नींद घनेरी आ रही, देख पसीना चेहरे ऊपर पहुंच रही। मैं था तो उधर लड़का सो जाता है और अपने कमरे में जाकर के माँ भी आराम करना चालू कर। तो सूते सूते के दिल में विचार आया, बोले भाई वो तो अपनी बाट देख रही होगी, कौन वो लड़की। अरे जाग उठा से ताल रे मन में, बोला बाट देख रही होगी। इतने में उस दुष्टी की माँ तेरी नींद में सोगी, इतने में उस दुष्टी की माँ तेरी नींद में सोगी, इतने में उस दुष्टी। उठा छुरी छाती में रोपी रे जी, उठा छुरी छाती में रोपी छूटी खून पिचकारी, देख पसीना तेरे ऊपर रही मैं। मेरे सजनों, बोले भाई जाग उठा शैतान रे मन में, बोले बाट देख रही होगी और इतने में उस दुष्टी की माँ गहरी नींद में सो गई। माँ को बहुत जबरदस्त नींद आ गई। बोले भाई उठा छुरी छाती में रोपी छूटी खून पिचकारी, देख पसीना चेहरे ऊपर पूछ रही मैं तारी। सजनों, रहम नहीं खाई दुष्ट थोड़ा नहीं विचार किया, हाथ भर का छुरा माता के जिगर पार गया। सजनों, थोड़ी बहुत रहम नहीं आई, बोले भाई ये अपनी माँ है, इतना भी नहीं विचारा। अपनी माँ का दिल काट करके वहां से रवाना हो गया और आगे क्या होता है। अपनी माँ का छुरा मार दिल कर लिया अन्यायी, माँ को मार चलिया रे बेदर्दी जरा दया नहीं आई, माँ को मार चलिया बेदर्दी जरा दया नहीं आई, जरा दया नहीं आई रे, जरा दया नहीं आई, माँ को मार चलिया रे बेदर्दी जरा दया नहीं आई। है तो फिर भी बोली बेटा मुकड़ा दिखा कर जाना, एक दफे तो फिर भी बोली बेटा मुकड़ा दिखा कर जाना, मुझे याद सदा तू रखना रे, मुझे याद सदा ही रखना रे, तेरी रख ली मन की चाही, माँ को
बोले भाई अपनी माँ का छुरा मार दिल काट लिया अन्यायी, और माँ को मार चला बेदर्दी जरा दया नहीं आई। बोले भाई काट लिया अपनी माँ का दिल, वहां से हुआ रवाना, वहां से हुआ रवाना, एक बार तो फिर भी बोली बेटा मुखड़ा दिखाकर दिल काट करके रवाना हो जाता है। जब माँ फिर कहने लगी कि बेटा तू तेरे मन की चाही तो कर ले, लेकिन मुझे मरते समय तेरा मुखड़ा एक बार और दिखा, तू याद सदा मुझे रखना रे। बोले याद सदा ही रखना रे, तेरी कर ली मन की चाही, माँ को मार चला बेदर्दी जरा दया नहीं आई। सदनों एक दफा इंसान के शरीर में शैतान जाग उठता है, वो बिल्कुल नहीं माना करता, वहां से रवाना हो गया। एक हाथ में माता दिल, एक हाथ में चाकू, शैतान जाग जा मन को ना करता, जाती समय देख लिया उसको एक पड़ोसी का घर था, जाती समय देख लिया उसको एक पड़ोसी का घर था, पुलिस को जा खबर जो करता, थाने न जा खबर जो करता, गड्डी गल दबाई, माँ को मार चला रे बेदर्दी जरा दया नहीं आई। एक दफे शैतान जाग जा मान्या कोन्या करता, और जाती समय देख लिया उसको एक पड़ोसी का घर था, एक पास में पड़ोसी का घर था, कुदरत बेहाल, क्योंकि सारे कपड़े खूनों में हो रहे, हाथ में चाकू, बोले भाई ये किसका खून कर दिया, घबरा गए। बोले भाई थाने ने जा खबर जो करता, गाड़ी गायल दबाई, माँ को मार चला बेदर्दी जरा दया नहीं। तो सजनों पीछे पुलिस की गाड़ी लग गई, आगे आगे लड़का भग रहा था, दोनों हाथों में वस्तु, एक में चाकू था एक में मां का दिल था, इंसान से भगा नहीं गया। एक हाथ में मां का दिल और एक हाथ में चाकू, खाके ठोकर पड़ा रे पत्थर से, बोला मां कहां भागी। मेरे सजनों, बोले भाई एक हाथ में माँ का दिल और एक हाथ में चाकू, खाके ठोकर पड़ा पत्थर से, बोलिया माँ कहाँ माँ। अचानक पत्थर की ठोकर खा करके गिर गए, अचानक माँ का नाम मुख से निकल गया। बोले भाई अचानक बोलिया माँ अब मैं कैसे बचूंगा। तब माँ का दिल कहने लगा, बोला भाई मैं तेरी माँ कद की लागू, अचानक बोला भाई मैं तेरी माँ कद की लागू, पर तेरे तो चोट नहीं आई। बोला बेटा
मगर तेरे कोई चोट नहीं आनी चाहिए। बोला तेरे तो चोट नहीं आई, मां को मार चला बे दर्दी जरा दया नहीं। सजनों फिर अपनी मां का दिल पड़ा हुआ को हाथ में उठा करके वहां से रवाना हो गए। फिर उठा लिया मां का दिल को, फिर उठा लिया मां का दिल को, कदमों माई दरिया देखो जाई, जो तूने सो आ तूने मांगा सोई लिया दिया रे कर दी तेरे मन की चाई, तूने मांगा सोई लिया दिया कर दी तेरे मन की चाई। देख भयंकर खून को लड़की मन ही मन गई घबरा, तूने तेरी माँ का ना हुआ मेरा तो हो सकता ना, तूने तेरी इतने में पुलिस गई आई, इतने में पुलिस गई आई, हाथ थकड़ी पैर आई, मां को मार चलिया रे बे दर्दी जरा दया नहीं आई। मेरे सजनों बोले भाई फिर उठा लिया मां का दिल को, कदमों माए दरिया देखो जाए, लड़की के जाकर के कदमों में दिल रख दिया, कदमों माए दरिया देखो जाए, तूने मांगा सोई ला दिया कर दी तेरे मन की चाय। बोले भाई तू मुझसे मेरी मां का दिल मंगाया था, ये भी मैं तेरे को ला करके दे दिया। बोला भाई देख भयंकर खून को लड़की, माँ का दिल को देखते ही लड़की विचार लगा लिया, बोला भाई बहुत घोर अन्याय हो गया। देख भयंकर खून को लड़की मन ही मन गई घबराए, तूने तेरी माँ का ना हुआ मेरा तो हो सकता ना। बोला शैतान तू तेरी माँ का ही नहीं हुआ तो मैं तेरे से शादी कर लूंगी, कोई तेरे को और लड़की मिल जाएगी। वो लड़की कह देगी बोला भाई तू तेरी औरत का दिल काट करके लेके आओ, जब मैं तेरे से शादी करूंगी तो तू मेरा भी दिल को काट सकता है, तो ना तेरी माँ का ना हुआ मेरा तो हो सकता ना। इतने में पुलिस गई आए, पिछाड़ी से पुलिस आ गई, बोले भाई इतने में पुलिस गई आए, हाथ अतकड़ी पैर आई, माँ को मार चला बे दर्दी जरा दया। सरदनी पकड़ करके हाथों में हथकड़ी पैरा दी, सदनो अरे सोच समझ कर चालो रे नरी, सोच समझ कर चालो रे नर, काई जाति लुगाई की सब मर्दों का घर बगाड़ तब मीठी छुरी चलाई, सब मर्दों का घर बगाड़ तब मीठी छुरी चलाई, मीठी छुरी चलाई जी आ मीठी छुरी चलाई जी, सब मर्दों का घर बगाड़ तब चलाई जी। मर्दों का घर बगाड़ तब
बता कवि ने, सोच समझ कर चालो रे नर, कहीं जात लुगाई की और सब मर्दों का गर्भ गाल प्रभु मीठी छुरी चलाई। भगवान एक ये औरत का नाम ऐसा रख दिया, एक औरत चीज ऐसी बना दी जो कि बड़े बड़े योद्धाओं इस औरत के चक्र में आकर के खप गए। तो बताया कभी ना हाथ हाथ कड़ी डाल पुलिस ले ले जा मेरी थाने अमा, हाथ हाथ कड़ी डाल पुलिस ले ले जा मेरी थाने अमा, खड़ा किया कोर्ट में उसको पूछ रहे रे समझाने अमा, खड़ा किया कोर्ट में उसको पूछ रहे समझाने अमा, तेरी माँ का खून तू हुआ जल्दी बोल बकाने अमा, ना बोले तो खेण लग्या रे झजी देवो इसको ताने अमा, ना बोले तो खेण लग्या झजी आएगी अकल ठिकाने अमा, आएगी अकल ठिकाने अमा, जबरे भेजा दोई सिपाही जी ठिकाने मरा, जब भेजा दोई सिपाही जी सब मर तू का गर्भ गाल प्रभु नीची छुरी चलाई, मीठी छुरी चलाई जी रे मीठी छुरी चलाई जी सब मर तू का गर्भ गाल प्रभु नीची छुरी चलाई, बोला भाई हाथ हाथ अतकड़ी पैरा के ले जा मेली थाने में, खड़ा किया कोरट में उसको पूछ रहे समझाड़ी, पूछने लगे बोले भाई तेरी माँ का खून क्यों हुआ जल्दी बोल बखाने में, बोला जल्दी बोल तेरी माँ का खून क्यों हुआ, तूने कैसे तेरे हाथों से तेरी माँ का खून करी किया, सजनों तूने तेरी माँ क्या कोई मुसीबत कोई मतलब दुख में रखती थी या तुझे प्यार नहीं देती थी, ऐसी ऐसी बातें जज खुद खड़ा होकर के पूछना चालू कर दी। बोला भाई तेरी माँ का खून क्यों हुआ जल्दी बोल बखाने में, ना बोला तो कहन लगा जज दे वो इसको ताने, बोलने के लिए जगह नहीं कुछ नहीं बोला, बोला भाई नहीं बोला तो इसको काट पिंजरा में दे दिया जाए, पुरानी भाषा है पहले के जमाने में एक काट का आता उसमें इंसान को देते ही परेशान होता सारी बात बता देता। बोला भाई आएगी अकल ठिकाने में कि भाई इसकी अकल जब आएगी ठिकाने, आएगी अकल ठिकाने में जब भेजा दो सिपाही जी सब मर्दों का गर्भ गाल प्रभु मीठी छुरी चलाई। थानादार अंदर ले जाता है, अरे काट पिंजरा में दे करके क्रोध किया जब थानेदार, ले हाथ में डंडा कर दिया ठंडा खूब करी रे लड़के की मार, ले हाथ में डंडा कर दिया ठंडा खूब करी लड़के की मार, बहुत केस पकड़े हैं मैंने तुझ जैसा पकड़ा पहली बार, माँ की ममता सुनते ही पे दर्दी के दिल में आ जा प्यार, माँ की ममता सुनते ही रे दर्दी के दिल में लगे तू बड़ा कोरट दरबार झजी मौत की सजा सुनाई दी, सब मर्दों का गर्भ गाल प्रभु मीठी छुरी चलाई दी, गर्भ गाल प्रभु मेरे सजनों काट पिंजरा में देकर के क्रोध किया जब थानेदार, ले आत्मडंडा कर दी ना ठंडा खूब करी लड़के की मार, बोले भाई बहुत केस पकड़े हैं मैंने तुझे से पकड़ा पहली बार, माँ की ममता सुनते ही बेदर्दी के दिल में आ जा प्यार,
लगा बोले भाई लग्या दोबारा कोर्ट दरबार जज मौत की सजा सुनाई जी। बोले भाई इसको मौत मौत की सजा दे दी जाए। मौत की सजा सुनाई जी सब मर्दों का कर बगाड़ प्रभु मीठी छुरी चलाई। तो सदनों मौत की सजा सुनते ही मां का दिल पुकार उठता है। तो बताया कभी ना आगे क्या बताया है। अरे सजा सुनी अपने बेटे की, अरे सजा सुनी अपने बेटे की, बोला मां का दिल पुकार उठा मेरा बेटा खूनी कोन्या बिल्कुल थानादार झूठा, मेरा बेटा खूनी कोन्या बिल्कुल थानादार झूठा, बच्चा है नादान होश नहीं बेरहमी से क्यों कूटा, जज की आंखों में आंसू आ गए बरी की अर झट कलम उठा, जज की आंखों में आंसू आ गए बरी की अर झट कलम उठा, राजेंद्र का ग्राम धानू का, अरे राजेंद्र का ग्राम धानू का, राय नानू राम में बताई जी सब मर्दों का गर्भ गाड़ प्रभु मीठी छुरी चलाई, सब मर्दों का गर्भ गाड़ प्रभु मीठी छुरी चलाई।